क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन भारत सरकार जल्दबाजी में कुछ करने की बजाय हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी दिया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के साथ सिंध जल संधि के मुद्दे पर होने वाली ये बैठक आज सुबह उनके आवास पर होगी और इस बैठक में सिंधु जल संधि से जुड़े महकमों के अफसरों के साथ समझौते की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ इस संधि को तोड़ने में होने वाले नफा नुकसान पर भी चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा जल संसाधन मंत्री उमा भारती भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका सिंधु नदी के पानी पर आश्रित है। उरी में आतंकी हमले के बाद देश के हर कोने से एक ही आवाज उठी, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लेकिन सबक सिखाएं तो कैसे, पाकिस्तान के साथ सीधी जंग तो मुमकिन नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए सिंधु जल संधि तोड़ने का प्रस्ताव सामने आया। I'm sure you are aware that there are differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty, but this is an issue which is being addressed bilaterally. But let me make a basic point. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इस समझौते पर मुहर लगाई थी। संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चनाब, सतलुज, ब्यास और रावी नदी का पानी देगा। मौजूदा समय में इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को ही मिलता है। अगर भारत ने इन नदियों का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया तो पाकिस्तान की कृषि और जल आधारित उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा खेती इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। हालांकि सिंधु जल संधि तोड़ने के मुद्दे पर जानकार एक राय नहीं है। ज्यादातर का मानना है कि यह समझौता पिछले 56 साल से बगैर किसी रुकावट के जारी है। इस दौरान भारत पाकिस्तान के रिश्ते कई बार बद से बदतर हुए, लेकिन सिंधु जल संधि पर कोई असर नहीं पड़ा। सिंधु जल संधि के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। दोनों देशों के बीच पहली जंग 1965 में हुई, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग हुई और 1999 में करगिल युद्ध। इस दौरान पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कई बार हिंदुस्तान को दहलाने की भी कोशिश की। 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, 2008 में 26/11 आतंकी हमला जिसे 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था, गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले समेत कई बड़े बड़े आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सिंधु जल संधि बदस्तूर कायम रही। एक तरफा तो किसी ट्रीटी को बंद नहीं किया जा सकता ना। ये ट्रीटी जो है गारंटीड है, ये दो सॉवरेन कंट्रीज के दरमियान महादेव होते वो पानी पे होंगी, तो ये जंग तो जंग अजीम होगी। हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस संधि को खत्म करने की मांग जरूर उठी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जानकारों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे एक तरफा फैसले से तोड़ पाना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा किया गया तो दुनिया के सामने ये संदेश जाएगा कि भारत कानूनी तौर पर लागू संधि का उल्लंघन कर रहा है। जानकारों के मुताबिक दोनों देश आपसी सहमति से इस संधि में बदलाव कर सकते हैं या नई शर्तों पर नया समझौता बना सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नामुमकिन है।
तो सिंधु जल संधि तोड़ने का मन बनाया जा रहा है, आज एक अहम बैठक है, लेकिन ये सिंधु जल संधि है क्या, ये हम आपको इसको और भी ज्यादा विस्तार से बताते हैं और इसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा कैसे होता है ये भी आप जानिए। 1960 में पानी के बंटवारे को लेकर भारत पाकिस्तान में समझौता हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने इस संधि पर दस्तखत किए थे और इस संधि के जरिए सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था और इसके तहत सतलुज, ब्यास और रावी का ज्यादातर पानी भारत के हिस्से में आया जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। सिंधु, झेलम और चेनाब के बहाव पर भारत का नियंत्रण सीमित रखा गया। इस पानी से पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स और सिंचाई जारी है। तो ये तो आपने सिंधु जल संधि जान लिया, लेकिन यदि भारत इसे रद्द कर देता है तो इसके प्रभाव किस तरह के होंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उरी में आतंकी हमला जिस तरह से हुआ उसके बाद में देश में आक्रोश है और मांग यही उठ रही है कि सिंधु जल समझौता रद्द किया जाए। समझौता रद्द होता है पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। आपको बता दें सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान को किस तरह का नुकसान होगा। अगर ये समझौता रद्द हुआ तो पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में लोग प्यासे रह जाएंगे। पाकिस्तान में बिजली को लेकर हाहाकार मच सकता है। पाकिस्तान में कई बिजली के प्रोजेक्ट्स भी बंद हो सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा यदि अगर ये सब रद्द हुआ तो। पाकिस्तान में खेती का बड़ा हिस्सा बर्बाद तो होगा ही, पहले से कर्ज में डूबा पाकिस्तान ये झटका सहन नहीं कर पाएगा।